हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर्थ फ्रेंड्स। आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एक बार उठो यार, कहाँ बैठो यार, कहाँ जगह हो नाला। रन कितना सुकून मिलता है भाई साहब, हल्का हो गया। अबे तेरी, इसमें तो मिर्च भी पड़ी है, लगता है रात मिर्च ज्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बनाने बैटरी। हाँ, ये कोई आम चीज नहीं फ्रेंड्स, यह है बैटरी। आप इसे गोबर समझ रहे हो, पर यह है बैटरी। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मजा वाला इस वीडियो पे। दोस्तों, वीडियो कम पे वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो कम पे वॉच करनी है जब भी तो मजा आएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो एक पर। समर एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो फ्रेंड्स, कुछ करने से पहले कुछ कर लेते हैं। ओह नो, हट गया साल है। तो फ्रेंड्स, बैटरी बनाने से पहले हमें उसकी बॉडी बनानी होगी। अब फ्रेंड्स, एक कमाल की बात बताऊं भाई, अपनी बॉडी है नहीं लेकिन बैटरी की बॉडी बनेंगे, क्या करें, कमजोर इतने हैं। और हाँ, कमजोर लोग ही तो बॉडी बनाते हैं। चलो फ्रेंड्स, फटाफट इसकी बनाते हैं शीट, शॉर्टकट ले। तो फ्रेंड्स, ओहो, ये भी सुतरा कॉमेडी करने चक्कर में है, तो भाई इधर को आ जा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी दो शीट बना ली है और देखिए मार्क भी लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने 4x6 के दो पीस और 3x4 के दो पीस कट कर लिए। तो चलिए भाई, इन्हें चिपकाने पर आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से चिपकाऊंगा, तो इसलिए भाई बन रही है। देखिए, ये लेता हूँ मैं दो और इसे भैया को रखता हूँ साइड में और सिर्फ मैं इन्हें चिपकाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसका मैंने बना दिया यू टाइप का शेप। देखिए अब भाई करने के, यहाँ पे मैं एक स्केल ले रहा हूँ, एक पुराना सा कबाड़ सा स्केल पड़ा है, और इस पर भाई लगा दो मार्क ऐसे, कितना का बेटा 1 इंच अप्रोक्स होता है तो काम कर जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 इंच का गैप देकर मैंने मार्क कर दिया और ये 6 सेल बनेंगे। देखिए 6 ब्लॉक खाने बनेंगे। और सेम फ्रेंड्स, देखिए यहाँ मैंने सेम ऐसे किया 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 लाइन और 6 ब्लॉक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 5 पीस कट कर दिए हैं, इसलिए कट के देखिए ब्लॉक बनाने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अप्रोक्स 1/2 इंच गैप दिया है ऊपर से, और देखिए मैं इन्हें इस पर चिपका दूंगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसके बन चुके हैं ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 ब्लॉक बन चुके हैं। अब ये जो हमने कवर देखे, इस पर पहले मार्क लगा दे, इसके ऊपर हम सीधा लगा देंगे। देखिए लाइन से फ्रेंड, लाइन मिलनी चाहिए इस तरह, देख सकते हो। तो मैं इसे फटाफट चिपका दूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बन चुका है, देखिए काफ़ी मजबूत ब्लॉक बन चुके हैं, देखिए पास से नहीं टूटेगा। चले फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो भाई, ये इसका बॉटम का पार्ट है, बॉटम। देखिए इस तरीके से भाई इसे चिपका दें। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या सॉलिड बॉडी बनी है। दोस्त देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ देखिए आपको। अगर फ्रेंड्स, इसमें किसी भी आप रसगुल्ले का सिरा या जलेबी का सिरा डाल दो तो वो दूसरे में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अलग अलग सेपरेट ये ब्लॉक होने चाहिए। वाह, मिसाल के दिए, मीठी मिसाल, टेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई, यहाँ पर ले मैं 3 बैटरी जो कि फ्रेंड्स रेडियो में लगते थे, आपको समझ दो है नहीं यार, 3 है। जो होता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो दिखता है, जो होता है वो दिखता नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई मेन चीज़ है कि दोस्त, मैं 3 लेकर आया क्यों फ्रेंड्स, मुझे पुराने मिले नहीं कहीं भी। अगर आपके पास पुराने पड़े हों, सेम यही काम करेंगे, ठीक है, तो आप पुराने लें, ज़्यादा पैसे वेस्ट ना करके। मैं तो खैर नहीं निकाला हूँ। तो चले फ्रेंड्स, फटाफट इन्हें खोल लेते हैं, इन्हें थोड़ी देर के लिए नंगा कर देते हैं। तो भाई देखिए, पहले इनका कवर टाएंगे। देखिए भाई, तू बड़ा कैप पहने घूम रहा। लीजिए भाई, तो लीजिए भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है। ये फ्रेंड्स की जिंक है जो ऊपर कोटिंग है, और ये देख सकते हो कॉपर इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे मैं बाहर निकाल लूँगा और इसे मैं अलग कर लूँगा। अगर मैं इसे डायरेक्ट खींचूंगा तो टूट जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी यहाँ से पेस्टिंग हटा लेता हूँ। हाँ हाँ, मलाई निकल रहा भाई से बिल्कुल, देखिए ये निकल रहा कॉपर इलेक्ट्रोड। और भाई इसे बिल्कुल यहाँ से खोखला करना है, और इसकी पूरी की जो जिंक की कोटिंग है ये निकालनी है। तो भाई वैसे ही चाकू से भी कट जाता है। बस करना कुछ नहीं है, इसे धो लेना है। आप इलेक्ट्रोड और जिंक का कवर, इन दोनों की मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ये जानकारी मैं आपको दे दूं। फिलहाल हम इनको भी इस तरह से कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा हलवा तैयार हो गया है। देखिए 3 कवर निकाल लिए हैं और 3 कार्बन इलेक्ट्रोड निकाल लिए हैं। बस इन्हें अब हम क्या करेंगे, इसे तो हम फेंक देंगे और इसे क्या करेंगे, वॉश करके हम साफ कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, 420 बार तो भाई साहब हाथ धोए, जब जाके देखिए हाथ थोड़े देखिए अब भी काले रह गए, इतना काला पानी करता है। तो देखिए भाई, नक्के साइड में ये हो गया जिंक अलग, और ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया अलग। तो भाई इनमें से कोई भी एक लो, और इसे बिल्कुल मिड में से 2 कर दो इसके।
ये चोरन से झड़ रहा ना, ये बहुत परेशान करता है। तो देखिए ऐसी फ्रेंड्स हमें करने इन सारों के दो दो दुनी या छः हो गया। काफ़ी लोग कहेंगे समर हाथ से तोड़ दे यार, चलिए यार वो भी ट्राई करके देखते हैं कि अपना टूट जाए। मैंने हाथ से टूट लाए थे और वाह भाई का देखिए हाथ पिचक गए भाई, बड़ा मजबूत है। तो भैया हमें कमज़ोर आदमी डोले छोले बनाने पड़ेंगे, ऐसे काट दो सबसे बढ़िया, थोड़ा सा कट मार दो। देखिए अब आसानी से टूट गया। तो भाई ये तो हो गए छः, इनको भी हमें छः करना है, दो दुनी छः। देखिए फ्रेंड्स तरीके से भाई मारा और काट मार दो भाई, दो दुनी चार, दो दुनी सिक्स। तो भाई इन्हें बिल्कुल कर दो सीधा मेरी तरह। तो लीजिए भाई ये हो गए छः के छः बिल्कुल फ्लैट। अब इन्हें हमें दोनों को सीरीज में जोड़ना। देखिए इस तरह के दो जुड़ जाएंगे, इस तरह दो जुड़ जाएंगे। लीजिए इन्हें जोड़ने फ्रेंड्स हमें वायर की जरूरत होगी। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1.5 mm का कॉपर का वायर, इन्हें आपस में सीरीज में करने के लिए। लीजिए फ्रेंड्स मैंने पांचों को पांचों कनेक्शन कर दिए। देखिए ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह फ्रेंड्स ये काम करेगा सीरीज में। और देखिए इस तरह फ्रेंड्स मैं इन्हें डाल दूंगा सीधा बैटरी के अंदर। देखिए देखिए एक तरफ फ्रेंड नेगेटिव डलेगा, देखिए देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव डल जाएगा इस तरफ से, फिर मैं ऐसे मोड़ दूंगा। और देखिए ये पॉजिटिव है, जहाँ नेगेटिव है उधर के चट पॉजिटिव लेगा, यहाँ सीरीज में कनेक्ट होंगे। देखिए इस तरीके से। और फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखें, ये दोनों आपस में टच नहीं होने चाहिए, अगर बाई चांस टच हो रहे हैं तो आप इसे इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा बैंड कर दो, बस अब ये टच नहीं हो। देखिए यहाँ पर और ये इसे लगा दो इस जगह यहाँ पर। देखिए ये थोड़ा दूर होने चाहिए, टच नहीं होने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुके। देखिए ये इसका पॉजिटिव है जो देखिए बाहर जा रहा है, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह फ्रेंड्स ये सारे सीरीज में है, ये इसका नेगेटिव निकला है और ये इसका पॉजिटिव निकला है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं माल पाने लेने। चलिए असली माल लेने चलते हैं। फ्रेंड्स हम आ गए यहाँ पर, जिसे यहाँ पर सारे लेडीज लेडीज हैं, एक भैया घूम रहे जेंट्स है वो आई थिंक ऊपर लगता है, और भाई कहीं से बच्चा संभाल ले, ये लेकर आऊँ मैं पॉलिथीन, इसे कहते हैं उल्टी, और उल्टी, और भाई कहाँ से मारे बस, इतना बहुत है भाई आज के लिए, बहुत है। चलिए तो लीजिए भाई ऐसे ही करता है ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स आज अनबॉक्सिंग करेंगे गोबर की, हर चीज आपको बारीकी से दिखाएंगे, कलर कैसा है और स्मेल तो आप नहीं सूंघ पाएंगे, सॉरी वो तो हम ही महसूस कर पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ताज़ा माल है। देखिए तो भाई चलिए फिलहाल तो इस रखते हैं साइड में और बैटरी लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 1 inch के दो बोल्ट। देखिए फ्रेंड्स इन पर मैंने सोल्डिंग कर दिए, थोड़ा रबर का सोल्डिंग हुई है इन पर। देखिए दो दो नट मैंने इन पर लगा दिया, क्योंकि फ्रेंड मुझे थोड़े से लॉन्ग लंबे लग रहे थे इसलिए। और भाई करना कुछ नहीं है, बस इस पर आपको सोल्डिंग कर देनी है। और भाई ये रहा इसका कैप, इस पर इस तरीके से लगा देंगे इसके आउटपुट। देखिए लग रहा फ्रेंड्स बिल्कुल बैटरी जैसा लुक। तो भाई 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 अभी इस पर मिर्च मसाला डालने का टाइम आ गया है, जो कि है डंग गोबर। तो भाई ये रहा गोबर, फिर से ऐसे ही गिरा जैसे गिरता है। देखिए फ्रेंड्स अब भाई सबसे बड़ा चैलेंज है भाई, इसके अंदर पर पानी मिलाना है, कोई सा बर्तन खाली तो नहीं है भाई, लेकिन एक जुड़ाव तो करना पड़ेगा। तो भाई ये रही बोतल और काट दो। लीजिए भाई जब भी कुछ होता है पता नहीं बोतल के सामर्थ्य क्यों आती है भाई। वाह बच गया अभी काउंटर पा जाता। ओए हाँ ओ ठीक है ठीक, बस बस आ गया छोड़ दी छाप, लग गई मेहंदी काउंटर पे। चलो भाई इसे उठाओ, बड़ी मुश्किल से मामला ख़राब है। बस इसको फिर हम ऐसे ही फेंकेंगे साइड में, तो इसमें मिला देंगे थोड़ा सा पानी। भाई से बात तो याद आ रही है मैं नानी, बस स्वाद अनुसार डाल, बस अभी रुक जाओ।
वो भाई डालते हैं 2 चम्मच सॉल्ट नमक। स्वाद ऐसा कि रहा ना जाए, खा ले तो सहा ना जाए। और इसे घुमा दो अच्छी तरीके से। वो आज माँ बाप बहुत खुश होंगे मेरी वीडियो देख के, क्या क्या कर रहा लौंडा। तो भाई लगता है हमारा जादुई घोल जड़ बूटी तैयार हो गई है और अब लेते हैं इसे। लेकिन भाई इससे पहले इसे लगा दें, हम बदबू से ही मर जाएं, तो इससे बेहतर यह है कि इसे लगा दें। फ्रेंड्स मैं स्टूडियो से बाहर आ गया हूँ क्योंकि भाई हमें पता कि हम किस तरीके से रुक रहे हैं वहाँ पर, और इस घोल को डाल देंगे सीधा इसके अंदर चोंच बना के। बस ये आपको डुबा देना है पूरे। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आपके सामने है जो भी है, मतलब जो भी का गोबर ही है, तो मैं इसे यहाँ रखता हूँ और चिपका ही देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसे अच्छे से चिपका दिया है और अच्छे से सील कर दिया है। लेकिन दोस्तों जैसे आप जानते हो, अगर नहीं जानते मैं आपको बताता हूँ, जो कि फ्रेंड्स गोबर होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर होल कर देता हूँ जिससे दोस्त यहाँ पर गैस निकलती रहे अगर आप इसे चार्ज पर लगाओ, और हम अभी देखेंगे भाई ये चार्जेबल है या नहीं है। चलिए फ्रेंड्स पहले भाई इस पर थोड़ा सा हम कलर कर देते हैं। काफी लोग कहते हैं समझ आया तुम सिल्वर कलर का बहुत यूज़ करते हो, चलिए फ्रेंड्स आज मैट ब्लैक का यूज़ करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी बैटरी बनकर तैयार हो गई है भाई साहब, चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। पहले मैं इसके आपको वोल्टेज दिखा दूँ कितने वोल्टेज आउटपुट आ रहे हैं। अभी फ्रेंड्स मैंने से बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं है, कुछ नहीं कहा, आपके सामने जैसा भी है देखिए, इसका नेगेटिव है ये पॉजिटिव है देखिए 4.53 वाओ 4.5 वोल्ट अप्रोक्स ये आउटपुट दे रही है। और अब देखते हैं भाई कुछ चला कर इससे। भाई मैं कुछ LED अलग अलग कलर की ये ट्राई करता हूँ, ये रेड कलर की है देखते हैं, और ये इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है देखिए, वाओ काफ़ी ब्राइट जल रही है देखिए। देखिए फ्रेंड्स ये कौन सी है देखते हैं, वाओ देखिए फ्रेंड्स ये 8 GB काफ़ी अच्छी ब्राइट हो रही है, आप देख सकते हो लाइव। और ये देखते हैं कौन सा कलर है भाई, देखिए ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं भाई ये 0.5 वाट में, देखो 5 वोल्ट की LED है, देखते हैं भाई चलती है नहीं चलती है। देखिए फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छी ब्राइट हो रही है देखिए, तो आप इसे चला सकते हो, काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। और भाई अब देखते हैं कितने वोल्टेज, क्योंकि अभी मैंने इसे रिचार्ज नहीं किए, अभी सेम आपके सामने लगा दिया है और कोई फेक नहीं यार, बिल्कुल 100% रियल फैन जैसा भी आपके सामने देखिए 4.089 देखिए थोड़े से वोल्टेज बढ़ रहे हैं देखिए। तो फ्रेंड्स को ये नहीं पता लग पा रहा कि भाई नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है। तो दोस्त मैंने कुछ इस तरह का यहाँ से देखिए जो पीच टेप होती है उसको मैंने कट किया है और डायरेक्ट मैं इसे इस तरह से लगा दूंगा। लीजिए भाई अब ये हो गया रेड यानी कि पॉजिटिव। तो जैसे कि आपने देखा कि इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया। चलिए फ्रेंड्स अब इसे रिचार्ज करके देखते हैं भाई रिचार्ज पर है भी या नहीं भी। तो पहले मैं आप इसके वोल्टेज आउटपुट दिखा देता हूँ, देखिए जो भी है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव देखिए 4.14 ठीक है 15। अब देखिए फ्रेंड्स क्योंकि ये 5 वोल्ट अप्रॉक्स है तो भाई मैं इसे 5 वोल्ट ही दूंगा। और यहाँ पर मैं लगा दिया चार्जर और इस पर देख लेते कितने वोल्टेज आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है 5.01 ये नेगेटिव वोल्टेज उल्टा लग गया है देखिए 5.01 पर लगाते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए काफ़ी है, पता लगी जाएगी। A few moments later. तो फ्रेंड्स लगभग इसे 5 मिनट हो चुके हैं भाई चार्ज होते होते, और देखते हैं भाई रिचार्ज हुई या नहीं हुई। तो मैं इसे रखता हूँ नीचे और देखिए यहाँ पे 20 पे सेट है और इसे लगाते हैं टेस्टिंग पे, देखिए वाह देखिए फ्रेंड्स 4.80 यानी फ्रेंड रिचार्ज हुई 4.80 देखिए फ्रेंड्स, और जल्दी से कम नहीं हो रहा है देखिए, यानी कि हल्का फुल्का सा फर्क पड़ रहा है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स स्टेबल है देखिए 4.79। तो फ्रेंड्स आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ दोस्तों आप इसे बना सकते हो प्रोजेक्ट के तौर पर, काफी अच्छा ये वर्क करता है। और आपको फ्रेंड्स का लुक कैसा लगा मुझे जो बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।